एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अब संवेदनाएं नहीं, अब शक्ति चाहिए। और तभी ऐसी जो एमपी में एक के बाद एक घटनाएं घटित हो रही हैं वो घटित ना हो। देखिए, एक मजबूत एक्ट का दावा तो किया जाता है, लेकिन ये एक्ट उतना दमदार नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है कि लापरवाह लोगों पर उतनी लगाम लगा सके। दरअसल शक्ति की जरूरत है और एक ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समझा सके। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, ये तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और SDM हर्षल चौधरी, एडिशनल SP आपको नज़र आएंगे, समीर यादव। कुल मिलाकर अब कार्रवाई की क्या तैयारी है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला अब वो अथक परिश्रम रहा। अब कार्रवाई की क्या तैयारी है और क्या ऐसी कोई अब सख्त कार्रवाई की जाएगी कि फिर से एक और मासूम बच्चे को अब बोरवेल में गिरने की घटना सामने ना आए। देखिए, सबके चेहरे जो है वो लटके हुए हैं। सर सर, ये तमाम जो प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो लोगों का हुजूम मौजूद था उनके चेहरे लटक गए हैं। और इन लोगों की जो दुआ थी वो उतनी काम नहीं आई, लोग समझ नहीं पाए, लापरवाही के चलते एक और बच्चा की जान चली गई। दूसरा लोकेश ना जाए, प्रशासन से यही निवेदन है कि प्रशासन ये गड्ढे खुले पड़े हैं उन्हें कार्रवाई करी जाए। लोग भी तो समझे ना, वो अपने गड्ढों क्यों खुला छोड़ देते हैं, उनको भी तो जागरूक होना चाहिए, करना चाहिए प्रशासन को, सख्ती करना चाहिए। जब तक सख्ती करेंगे तो दूसरों को सबक मिलेगा, सख्ती नहीं करेंगे तो जब तक दूसरों को सबक नहीं मिलेगा बल्कि उनकी सजा मिलना चाहिए गड्ढे खुले वालों के लिए। कार्रवाई ऐसी होना चाहिए, साथ में कार्रवाई होती है पता नहीं चलता, पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में संकेत जाना चाहिए कि अगर लोकेश गया है अगली बार कोई दूसरा लोकेश ना जाए पूरे भारत में, ऐसा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी दिल से ऐसी सख्त कार्रवाई होना चाहिए, हम यही कहना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, प्रशासन ने बहुत मदद करी है, हमें चला गया मतलब का नाम है उसकी, मतलब बेचारे माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। प्रशासन ने बेचारों ने पूरी ताकत लगाई, कोशिश भी करी, मगर ये है कि गड्ढे खुले वालों पे सख्त कार्रवाई ये आप प्रशासन तक पहुंचाइए। ओके, बस लोगों को भी समझना कितना जरूरी होगा कि वो अपने बोरवेल खुले ना छोड़ें, क्योंकि खेत में कई बार ये होता है कि जानकारी नहीं होती प्रशासन को, तो लोग भी समझें कि वो बोरवेल को प्रॉपर ढक के रखें, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, उसको ढक कर रखने चाहिए उसके लाने बिल्कुल भी।